इन जनरली गोट्स की वीडियो तो हमने बनाई थी ना ग्रेटेस्ट सुपर स्टार ऑफ ऑल टाइम लेकिन ये जो वीडियो है इसमें करंट डब्ल्यू डब्ल्यू की जो सुपर स्टार्स है उनके लिस्ट है सो दुइंग टू बी इंटरेस्टिंग तो क्या जो चैम्पियस दर्ड में वीडियो जहां पर हम 15 एक्टिव बेस्ट रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेट है वोट वोट के आधार पर यह सब हुआ है तो यस yes, ये भी ओपिनियन बेस्ड ही होता है मेजोरिटी वाइज जाता है तो लाइक like, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे भैया हाँ यही है पत्थर की लकीर नहीं, नहीं मान के खत्म करो ऐसा नहीं है ऑल्सो वन मोर थिंग क्यू एन ए की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कल पोस्ट हो चुकी थी ऊपर आई बटन पर लिंक रहेगा जाकर देख, देख सकते हो टाइटल उसका रहेगा रोमन रेइन न्यू गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा ही आ, क्या क्या करूं मैं क्यों बने पे क्या टाइटल डालू एनीवेज नंबर फिफ्टीन पर ही जो है वो है आस्का भाई मतलब क्या ही बोले आस्का हालांकि एक्टिव नहीं है आई डोंट थिंक सो कि हमने पिछले आठ नौ महीने से आस्का को देखा हुआ है बट स्टिल आस्का आस्का इज लाइक कि उसकी जो रेसलिंग एबिलिटीज है और मेरे को तो आस्का को देख के वही वाला ट्वीट याद आता है स्कॉट हॉल का जिसमें उन्होंने आस्का uh, का और गोल्डबर्ग का जो रिकॉर्ड था ना उसके रिलेटेड रेजर रमोन ने ये लिखा था कि यू आर स्टिल बेटर देन गोल्डबर्ग तो वो अभी तक मेरे को याद आता है एंड आज का यू कैन एक्सपेक्ट कि आज का और फोर हॉर्स वुमेन टाइप के जो सुपर स्टार्स है वो इस लिस्ट में रहने वाले हैं तो ये नंबर फोर्टीन पर ये वर्ड लेते हैं स्पीकिंग ऑफ फोर हॉर्स वुमेन ये लो साशा बैंक्स आ गई है इवन दो रही में कैसे ही रिकॉर्ड हो बट जब भी आती है आई थिंक वो आई uh, बॉल्स लाती है क्योंकि व्यूअरशिप आपको अगर नहीं पता तो साशा बैंक्स के सेगमेंट में ज्यादातर यू नो ज्यादा ही रहती है और रिसेंट के एग्जांपल में भी हमने देखा कि इस तरह से साशा बैंक्स क... मतलब फैन बेस अलग है आई डोंट अंडरस्टैंड कि साशा बैंक्स ने अपना अलग फैन बेस कैसे क्रिएट कर लिया भाई कौन सी जगह पर और तुम काम कर रहे हो हमें भी तो बताओ एनीवेज नंबर थर्टीन पर है सिजारो सिजारो दैट्स वेरी सैड बिकॉज में Cezaro इस समय नहीं है तो सिजारो को क्या हम रिप्लेस कर दे किसी और सुपर से अगर लेट्स रिप्लेस हिम विद मैं उसके नीचे देखता हूँ और कौन कौन से अवेलेबल है तो मैं सजारों की जगह केविन ओवेंस को डालना चाहूंगा आई नो कि केविन ओवेंस ऊपर भी जा सकते हैं बट देखो रिप्लेसमेंट अभी यहीं पर अवेलेबल थी तो मैंने केविन ओवेंस को यहाँ पर डाल दिया है नंबर थर्टीन पर एंड उनके एंटरटेनिंग सेगमेंट्स से रहते भाई बंदा यार अगर लड़ भी नहीं रहा है ना समझ रहे हो स्टोन कोर्सिव ऑस्टिन के ओ शो और अभी यहाँ पर जो हुआ था क्या बोलते हैं एल वाला लाई डिटेक्टर टेस्ट

जस्ट एक चैंपियनशिप के हारे तुमने धोखा ही दे दिया रिंग के अंदर नहीं लड़ सकता तो फिर हम उसे क्यों कर रहे तो उस हिसाब से भी कुछ लोग होते जो उस, उस एंगल से वोट देते हैं मतलब उनका बस चले तो, वो तो इधर भी ओकाडा को वोट देके चले जाए कि अरे डब्लब्ल्यू रेस्लर ठीक है ओकाड़ा को वोट देते हैं बट हाँ शौकर तो था मेरे लिए नंबर नाइन्थ पर देखना नंबर एट पर है जॉन सीना हम लाइक क्यों भाई जॉन सीन अगर लास्ट मैच कब था डब्लू डब्ल्यू में पता भी है उस बेस पे नहीं मैं एटथ पे भी नहीं रखता मैं बहुत नीचे मैं मैं रखता ही नहीं सही है मतलब जिसने एक साल से ज्यादा मतलब एक साल के अंदर अगर मैच ना लड़ाओ तो आई डोंट थिंक सो कि हमको उसको रखना चाहिए अगर डेफिनेटली अगर वो एक्टिव रोस्टर में होते तो वो वन या टू की पोजिशन पर पहुंच जाते बट राइट नाउ इट्स जस्ट नंबर पर है यस। दैट्स अ गुड पिक दैट इज डेफिनेटली अ गुड पिक तो अभी तक तीन फीमेल सुपरस्टार्स, लेकिन टॉप टेन के अंदर पहली फीमेल सुपरस्टार ने जगह बनाई है बेकिल आई वंडर कि बेली और शार्लेट होने वाली है या नहीं बड़े गुड चॉइस नंबर सिक्स पर है दी अंडरटेकर अगेन मैं वही वाला एग्जाम्पल देना चाहूंगा जॉन सीना वाला लाइक like, वाई और और ऊपर से अंडरटेकर के जो रिसेंट में मैचेस रहे हैं वो समझ रहे हो सऊदी अरेबिया वाले रहे हाँ अंडर टेकर वर्सेज को कंसिडर करना है तो तो अच्छी बात है बट फिर भी चलो ठीक है यार अंडरटेकर है तो बेस्ट ही उस पे तो उसपे तो कोई दो राय नहीं है तो उसी टॉप टेन में भी रख दिया तो कोई बात नहीं है भाई जब कोफी किंग्स टेन इस लिस्ट में तो फिर अंडरटेकर अंडर तो डेफिनेटली रहना बनता है नंबर फिफ्थ पर है ट्रू मैक ओह ट्रू मैक नंबर पर, यार, भाई? फिफ्थ पर है? और मैं तो ये कह रहा हूँ चैंपियन का जब रेंज चल रहा था अगर उस टाइम पे भी वोट नहीं मिले तो फिर क्या ही है तो इसलिए अभी तो शॉकर होगा देखने वाला की फोर्थ थ्री टू वन पे कौन कौन है क्योंकि नंबर फोर्थ पर जो है वो है एज स्टाइल्स मैं पर्सनली बता रहा हूं कि जो मेरे को लगा था ना कि नंबर वन पे कौन हो सकता है और नंबर टू पर तो उसमें उन दोनों में जो मेरी प्रिडिक्शन थी पहले लिस्ट देखने से वो एजेस टाइज थी कि एजेस टाइस टू या वन पे तो हो गई क्योंकि जो टीएनए की लिस्ट हमने देखी थी उसमें नंबर वन पर था ये बंदा एंड नंबर फोर पर देख के थोड़ा धक्का तो लगा है बट फिर तो ये भी देखने वाली बात होगी कि भाई थ्री टू वन पे कौन कौन है तो नंबर थ्री पर है सेथ Why not? How can we forget about the architect, the Messiah, Seth Rollins? And Seth Rollins का तो जो like last five years रहे मैं तो कहूँगा कि golden रहे मतलब 2016 के बाद Seth Rollins की आंधी सी आई है

होगा इट इज अनदर देन रैंडी ऑयटन द वाइपर द लेजेंड किलर लेजेंड किलर ने सारे लेजेंड्स को मार के नंबर वन का स्पॉट ले लिया एंड uh, क्या अच्छा टाइम है ना क्योंकि ओरटन वीक चल रहा है क्योंकि ओरटन को जो है इसी हफ्ते या फिर इसी डेट में डेब्यू किया था 20 साल पहले तो उनकी ट्वेंटी एनिवर्सरी है तो आई थिंक रैंडी ओटन का सेलिब्रेशन होने वाला है एंड इट्स लाइक वट ए कोइंसिडेंस की बेस्ट करंट रेस्लर्स की लिस्ट हमने वीडियो बनानी सोची और उस पर नंबर वन पे रैंडी ओटन ही रहा सो दैट इज फ्रिकिंग ग्रेट मैन आई डोंट नो डोंग टू से एंड आई एम नॉट गोइंग टू से अरे नहीं रैंडी ओटन नहीं रहना चाहिए भाई जो कंसिस्टेंसी बंदे ने दिखाई है ना तो मैं वही

अबे यार मेरा रेसलिंग फैन से ना मूड हटता ये डब्ल्यू डब्ल्यू के फैंस कर रहे हैं क्या मैं फिर ऑल एलिट रेसलिंग देखना शुरू कर दूंगा भाई नंबर थर्टी थ्री पे

था बनाया, दो लाख का इसने परिवार था जुटाया पर समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडे को इसने आरकेओ था लगाया फ्राइडेस को इसने आरके